हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग, ग्रुप 16 एलिमेंट्स। और ग्रुप 16 एलिमेंट्स के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसको हम लोग डील कर चुके थे। आज ग्रुप 16 एलिमेंट्स के रिएक्टिविटी और कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स को हम लोग डील करेंगे। तो रिएक्टिविटी की यदि हम लोग बात करें ग्रुप 16 एलिमेंट्स का, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के टेंडेंसी के आधार पे यदि डील करोगे तब ग्रुप 15 से तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ग्रुप 15 को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ऑक्टेट के लिए इसको 2 ही चाहिए। और उसमें से भी रिएक्टिविटी अलग अलग एलिमेंट के साथ अलग अलग होता है, वैरी करता है। तो सबसे पहले जो है ना, इसमें हम लोग बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। तो जितने भी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं वे सभी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स बनाते हैं, इस टाइप का H2E टाइप का, जहां ई ग्रुप 16 का एलिमेंट हो जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम और पोलोनियम। तो जैसे H2O, H2S, H2SE, H2TE और H2PO, इसको आप सिंपली लिख सकते हो हाइड्रोजन ऑक्साइड, दिस वन इज हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज हाइड्रोजन सेलेनाइड, या हुआ हाइड्रोजन टेलराइड और या हाइड्रोजन पोलोनाइड। हालांकि पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो यह हाइड्रोजन से कंबाइन तो करेगा नहीं, और बाकी के जो एलिमेंट्स बचे वे हाइड्रोजन से कंबाइन करके ऐसे कंपाउंड्स बनाएंगे। अब चूंकि ग्रुप 16 एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक है, और जब हाइड्रोजन से अधिक है तो वे सभी नेगेटिव आयन के रूप में रहेंगे और हाइड्रोजन जो है वह रहेगा पॉजिटिव आयन के रूप में वहाँ पे। ऐसा सबका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये तीनों का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है ही, टेलरियम का उसके आसपास है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो ये जनरली हाइड्रोजन से कंबाइन करता नहीं है। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स हाइड्रोजन से कंबाइन करके इस प्रकार का नॉर्मल कंपाउंड बनाते हैं। हालांकि इसमें से ऑक्सीजन है कि एक परऑक्साइड भी बना लेता है, H2O2 भी बनता है, लेकिन सारे एलिमेंट्स के कॉमन कंपाउंड की बात करें हाइड्रोजन के साथ तो ऐसा H2E टाइप का कंपाउंड बनेगा। इस प्रकार के कंपाउंड्स जनरली हम लोग हाइड्राइड्स बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स को, लेकिन हाइड्राइड्स बोलना बहुत उचित तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्राइड का मतलब होता है कि हाइड्रोजन वहाँ नेगेटिव रहेगा, लेकिन इसमें से किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन नेगेटिव फॉर्म में नहीं है, सब में हाइड्रोजन पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ जो एलिमेंट है वह ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड वो होगा, हाइड्रोजन तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो हाइड्राइड बोलना बेहतर नहीं है, लेकिन हम लोग हाइड्राइड ही बोलते आ रहे हैं अभी तक। तो ये ग्रुप 16 एलिमेंट के हाइड्राइड्स हुए। तो इन सारे हाइड्राइड्स के कई प्रॉपर्टीज हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज को जो है हम लोग डील करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है उससे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी कहने का मतलब हुआ टेंडेंसी टू वेपोराइज, टेंडेंसी टू वेपोराइज, वेपर में बदलने का टेंडेंसी कहलाता है वोलेटिलिटी। तो देखो, वेपर में बदलने का टेंडेंसी कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका जो मॉलिक्यूल है वह कितना फास्टली जो है वेपर में कन्वर्ट होएगा।
तो मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स, दोनों के बीच ऑब्वियसली एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो यह अट्रैक्टिव फोर्स जितना मजबूत होगा, इसको तोड़ने में उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा और मॉलिक्यूल का वेपर में बदलने का टेंडेंसी उतना ही कम होगा। क्या बोले कि दो मॉलिक्यूल है, इसके बीच का फोर्स यदि मजबूत है तो इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो उस हिसाब से इस मॉलिक्यूल का वेपर में बदलने का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। तो कहीं ना कहीं यह जो वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा तो वोलेटिलिटी कम, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम तो वोलेटिलिटी हो जाएगा ज़्यादा। तो इन सारे ग्रुप 16 एलिमेंट के जो हाइड्राइड्स हैं उनके बीच जो फोर्स ऑपरेट होगा, यदि उस फोर्स की बात हम लोग करें तो जो चीज़ पे डिपेंड करेगा फोर्स, जैसे क्या क्या था, H2O, H2S, H2SE और H2T। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाओगे आप तो मॉलिकुलर साइज बढ़ेगा, क्योंकि इस एटम का साइज बढ़ रहा है। अब मॉलिकुलर साइज जितना अधिक होता है, उस मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही मजबूत होता है। तो उस हिसाब से H2O से बड़ा मॉलिकुलर साइज हो गया H2S का, उससे बड़ा H2SE का और उससे भी बड़ा H2TE का। अब इसका मॉलिकुलर साइज सबसे बड़ा है, मतलब इसके मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स सबसे मजबूत होगा, और जब मजबूत फोर्स होगा तो यह जल्दी से कन्वर्ट नहीं होगा वेपर में। अब इससे छोटा साइज इसका है तो कमज़ोर फोर्स यहाँ होगा, इससे भी कमज़ोर यहाँ होगा। तो इसका मतलब हुआ कि H2S सबसे जल्दी वेपर में बदलेगा, उसके बाद H2SE और सबसे लेट से H2TE। वाट अबाउट H2O? H2O का साइज तो सबसे छोटा है, इसको तो सबसे जल्दी वेपर में बदलना चाहिए, लेकिन नहीं, H2O का वोलेटिलिटी सबसे कम होता है इन सारे हाइड्राइड्स में। और H2O का वोलेटिलिटी सबसे कम क्यों है, क्योंकि H2O के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, ऐसा यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इस प्रकार से। और H2O के दो मॉलिक्यूल्स चूँकि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स में सबसे मजबूत फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अब चूँकि यहाँ से H2O के मॉलिक्यूल्स एक मजबूत फोर्स से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि यह वेपर में आसानी से नहीं बदलेगा, या वेपर में आसानी से नहीं बदलेगा। तो H2O के मॉलिक्यूल्स चूँकि आपस में एक मजबूत फोर्स से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसके मॉलिक्यूल जल्दी वेपर में बदलेंगे नहीं, और यह स्पष्ट हो जाएगा जब बॉइलिंग पॉइंट का डाटा आप ऑब्जर्व करोगे तब। H2O का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं 373 केल्विन। H2S का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह होता है 213 केल्विन। H2SE का बॉइलिंग पॉइंट होता है 232 केल्विन और इसका 269 केल्विन। तो मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर मास सबसे अधिक है H2TE का, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा H2O का। रीजन है कि H2O के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, जबकि इन सारे मॉलिक्यूल जो है आपस में वैन डर वाल फोर्स से जुड़े हैं। अब वैन डर वाल फोर्स की तुलना में तो कहीं ज़्यादा मजबूत होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल फोर्स की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मतलब वोलेटिलिटी क्या होगा, कम। तो सबसे कम वोलाटाइल H2O हुआ, उससे ज़्यादा H2S, इवन बोलो कि H2S सबसे ज़्यादा हुआ। तो एग्जाम ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये सारे दिए हुए रहेंगे, पूछा जाएगा इसमें से कौन सबसे अधिक वोलाटाइल है, तो इस बात को आप ध्यान में रखोगे। H2S एक्सेप्शन भी होना चाहिए H2O को, लेकिन नहीं होगा। इसी को रीजनिंग में पूछ सकता है कि H2O इज लीस्ट वोलाटाइल एमंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, एक्सप्लेन। ग्रुप 16 एलिमेंट के जो हाइड्राइड्स हैं उसमें से H2O सबसे कम वोलाटाइल है, क्यों? तो सिंपल सा रीजन देना होगा आपको कि H2O के मॉलिक्यूल्स की, द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आर हेल्ड टुगेदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हाइल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर हाइड्राइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाई वैन डर वाल फोर्सेस।
एंड सिंस हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन वेंडरवाल फोर्सेस दिस इज वाई H2O मॉलिक्यूल या H2O इज लीस्ट वोलाटाइल अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो वोलेटिलिटी को डील करने के बाद अब हम लोग इसमें थर्मल स्टेबिलिटी को समझें। थर्मल स्टेबिलिटी को समझते हैं हम लोग इसमें। थर्मल स्टेबिलिटी कहने का मतलब हुआ कि हीट करने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर, कितना जल्दी वह डिकम्पोज करेगा या नहीं करेगा, मतलब अंडर कंडीशन ऑफ हीट वह कितना स्टेबल है। तो देखो, कोई भी हाइड्राइड लिए हम लोग तो इस टाइप का था ना H2E ऐसा। तो जब आप इसको हीट करोगे तो उस हीट एनर्जी से क्या होगा कि यह बॉन्ड टूटेगा, या बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा मतलब वह थर्मली उतना ही कम स्टेबल है। तो यह बॉन्ड का टूटना डिसाइड करेगा कि उसका स्टेबिलिटी क्या है। ऑब्वियसली बॉन्ड आसानी से टूटेगा जब कमज़ोर हो, और बॉन्ड कमज़ोर कब होता है, जब लंबा होता है। तो जिसमें यह बॉन्ड लंबा है वह कमज़ोर होगा, जल्दी टूटेगा, वह तो थर्मली लेस स्टेबल होगा। सिंपल सी बात हम लोग को यही समझना है। तो जैसे हम लोग H2O से जाएंगे H2S, फिर H2SE, फिर H2TE, डाउन द ग्रुप जाने से हम लोग क्या जानते हैं, साइज ऑफ एटम या हम लोग इनक्रीजेज। तो उससे क्या होगा, EH बॉन्ड लेंथ इनक्रीजेज, EH बॉन्ड लेंथ इनक्रीजेज। EH बॉन्ड का लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा, मजबूती घटेगा। EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, और इसीलिए थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि H2TE सबसे कम स्टेबल हुआ थर्मली, एंड H2O इज थर्मली मोस्ट स्टेबल। देयरफॉर H2O इज थर्मली मोस्ट स्टेबल व्हाइल H2TE इज थर्मली लीस्ट स्टेबल। तो ऐसे थर्मल स्टेबिलिटी से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेम एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग पढ़े थे, जब ग्रुप 15 एलिमेंट के हाइड्राइड्स को पढ़ रहे थे वहाँ, तो ऐसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद रिड्यूसिंग कैरेक्टर को भी आप समझ सकते हो, एसिडिक कैरेक्टर भी समझ सकते हो। तो यदि रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें हम लोग, तो चूंकि सब में हाइड्रोजन है तो या हाइड्रोजन से किसी को वे रिड्यूस कर सकते हैं, और हाइड्रोजन से किसी को रिड्यूस कर सकते हैं मतलब वे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। अब हाइड्रोजन से रिड्यूस करने का मतलब कि हाइड्रोजन उसको देना पड़ेगा, और हाइड्रोजन देना पड़ेगा मतलब यहाँ बॉन्ड फिर से टूटना होगा। तो जिसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा, जो जितना आसानी से हाइड्रोजन देगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो सेम एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं अभी हम लोग, H2O, H2S, H2SE और H2TE। ऊपर से नीचे आओगे तो साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, एटम का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, EH बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, EH बॉन्ड का लंबाई बढ़ेगा, उससे क्या होगा, EH
बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, एच बॉन्ड का मजबूती घटेगा, तो उससे क्या होगा, टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन इंक्रीजेज, हाइड्रोजन रिलीज करने का टेंडेंसी बढ़ेगा, तो उस हिसाब से इसका रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज। इसका मतलब H2T इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल H2O इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ हाइड्रोजन देने की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसी के आधार पे यहाँ से हम लोग एसिडिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एसिडिक कैरेक्टर को, वाटर का जो सेल्फ आयोनाइजेशन है वो हम लोग क्या जानते हैं, एक तो H2O को आप आयोनाइज करके ऐसे दिखाओगे H प्लस OH माइनस, या इसी में यदि आप दो H2O का मॉलिक्यूल लेते हो तो इसको आप ऐसे दिखाओगे H3O प्लस प्लस OH माइनस। तो H2O का ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन होकर के या जो H प्लस आयन दे रहा है, इसका मतलब कि यह सब्सटेंस समवाट एसिडिक नेचर का है। तो यह एसिडिक स्ट्रेंथ वैरी कैसे करेगा इन हाइड्राइड्स के बीच, उसको समझना है हम लोग को। तो वेरिएशन ऑब्वियसली सिंपल सा होना है, क्योंकि एसिड का काम कर रहे हैं ये सभी H प्लस डोनेट करके, तो H प्लस जितना आसानी से डोनेट करेंगे उतना मजबूत एसिड हो जाएंगे वे। और H प्लस आसानी से कब रिलीज करेंगे, अभी देखें हम लोग, जब बॉन्ड कमज़ोर होगा, मतलब वहाँ से भी H2T का H प्लस आयन रिलीजिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगा, और H प्लस आयन रिलीजिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगा तो यह सबसे मजबूत एसिड होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ H2T, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ H2T। अब मान लो जैसे कि कोई सब्सटेंस HA है एसिड, इसको आप वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो तो यह बनाएगा हाइड्रोनियम आयन प्लस A माइनस। रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यदि यहाँ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करोगे तो K को हम लोग लिखते हैं ओवरऑल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, मैंने H3O प्लस का कंसंट्रेशन A माइनस बाय रिएक्टेंट HA, रिएक्टेंट में H2O है लेकिन H2O का कंसंट्रेशन यहाँ मल्टीप्लाई हो चुका है ऐसे। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। अब कोई सब्सटेंस एसिड है या आप कैसे बोलेंगे, जब वो हाइड्रोनियम आयन देगा वाटर में H3O प्लस, अब हाइड्रोनियम आयन जितना ज़्यादा होगा मतलब इसका कंसंट्रेशन जितना अधिक होगा इस K का वैल्यू उतना ही क्या होगा बढ़ा, चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है वह उसके K के वैल्यू से हम लोग पता करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझना है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा K वैल्यू का। तो अभी जो बताए कि H2O, H2S, H2SE और H2T, इन सब का एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो सबसे मजबूत एसिड कौन हुआ, H2T हुआ, क्योंकि इसका बॉन्ड सबसे लंबा है, कमज़ोर है तो जल्दी से टूट करके H प्लस आयन देगा। फाइनली इसको K का वैल्यू से कन्फर्म करते हैं हम लोग, 1 × 10⁻¹⁴, 1.3 × 10⁻¹⁷, 1.3 × 10⁻⁴ एंड 2.3 × 10⁻²। तो क्या देख रहे हैं कि डाउन जाने से K का वैल्यू बढ़ रहा है, पावर माइनस 14 से माइनस 7, माइनस 4, माइनस 2 ऐसे इस तरह से। तो यह जो K का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ये बतला रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है नीचे जाने से ऐसा। और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि H प्लस आयन रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ रहा है। तो इसका K का वैल्यू सबसे बड़ा है मतलब ये सबसे मजबूत एसिड हुआ, सबसे जल्दी H प्लस रिलीज करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें H और जो T का बॉन्ड है टेलरियम और हाइड्रोजन का वह सबसे कमजोर बॉन्ड है, रीजन की टेलरियम का साइज बहुत बड़ा है, तो जल्दी H प्लस रिलीज करेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा, इसलिए इसका Ka का वैल्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो या एसिडिक कैरेक्टर हो, दोनों का वेरिएशन सेम है, दोनों जो है डाउन दी ग्रुप जाने से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
तो इसको याद रखेंगे हम लोग। अब एक बात करें स्ट्रक्चर की, तो सारे हाइड्राइड्स हैं तो एक ही जैसे, सभी हाइड्राइड्स एक ही जैसे हैं, H2E टाइप का, लेकिन इसमें से H2O के शेप को एक्सप्लेन कर पाना सबसे आसान है। ऑक्सीजन यहाँ ऐसा दो बॉन्ड बना रहा है, जबकि वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2s2 2p4, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 4, 1, 2, 3 और 1, 4 ऐसा। अब इन ऑर्बिटल्स का यहाँ से इंटरमिक्सिंग होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, s का 1 और p के 3 ऑर्बिटल्स, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। अब जो हाइड्रोजन है 1s1 एक इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का या sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, उसी प्रकार से एक हाइड्रोजन और करेगा। तो इसी को जब आप यहाँ दिखाओगे तो ऑक्सीजन के लिए ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं ये sp3 हैं, तो sp3 के 4 ऑर्बिटल्स को आप दिखाओ, तो दो में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर और बाकी दो में सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो जिस sp3 ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसी के साथ ना हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा ऐसा, हाइड्रोजन ऐसा, फिर यहाँ भी हाइड्रोजन ऐसा, इस प्रकार से। अब ये दोनों लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में हम लोग पढ़े हैं कि लोन पेयर वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल्स, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल्स, और जो बॉन्ड पेयर वाले होते हैं वे कम होते हैं। एक sp3 ऑर्बिटल में हम लोग जानते हैं 25% s और 75% p कैरेक्टर होता है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं होगा, इस लोन पेयर वाले में 30% होता है s और ये बॉन्ड पेयर वाला में मात्र 20% s, और s का कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। तो खैर ये हाइब्रिडाइजेशन का बात है, शेप की बात करेंगे हम लोग, तो ऑक्सीजन इन दो ऑर्बिटल्स में तो लोन पेयर रह जाएंगे और इन दोनों में रहेगा बॉन्ड पेयर ऐसा। यहाँ का बॉन्ड एंगल क्या होता है, 104.5 डिग्री। शेप का नाम हम लोग क्या लिखते हैं, एंगुलर। अब जो यह हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस दिखाए, एंगुलर शेप जो हम लोग किए, यह केवल H2O मॉलिक्यूल में पॉसिबल है। इसके अलावे जो हाइड्राइड्स बचे, इसके अलावे जो हाइड्राइड्स बचते हैं उन हाइड्राइड्स का ऐसे बॉन्डिंग दिखाना पॉसिबल नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन दिखाना पॉसिबल नहीं है। हम लोग पढ़े हैं पहले हाइब्रिडाइजेशन में ये सभी ड्रैगो मॉलिक्यूल्स हैं, तो H2O का ठीक है शेप एक्सप्लेन कर दिए, तो ऐसे ही आप एक्सप्लेन करोगे H2S का, H2SE का, तो इन सब का हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। ये सभी अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम लोग ड्रैगो मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि पहले इसको डिटेल किया जा चुका है तो अभी समय व्यतीत नहीं करेंगे इस पर। अब इसी बॉन्ड एंगल के वेरिएशन को यदि समझें हम लोग इस हाइड्राइड में, बॉन्ड एंगल के वेरिएशन को, तो डाउन दी ग्रुप जाने से बॉन्ड एंगल क्या होता है, घटता है, तो H2O, H2S, H2SE, H2TE, डाउन दी ग्रुप जाने से बॉन्ड एंगल घटेगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। और बॉन्ड एंगल क्यों घटेगा, तो इसके कई रीजन थे, जैसे H2O का शेप मान लो आप ऐसा है लोन पेयर, H2S को भी फिलहाल ऐसे ही दिखला दो इस प्रकार से, हाइड्रोजन यहाँ भी, हाइड्रोजन यहाँ भी, बस यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ क्या है, सल्फर है। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कहीं ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अपनी ओर खींचेगा, यहाँ दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर रहेगा।
हम लोग जानते हैं कि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों में दो दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्सन दोनों में होना है। लेकिन जब ऑक्सीजन में लोन पेयर रिपल्सन होगा तो उसके साथ ही साथ यहाँ बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ क्या होगा कि बॉन्ड पेयर दूर है तो यहाँ उतना रिपल्सन नहीं होगा, तो इस केस में लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा बॉन्ड पेयर रिपल्सन से, जबकि यहाँ लोन पेयर रिपल्सन से ज़्यादा होगा बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और जब बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा हो तो एंगल ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है, और जब लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा हो तो एंगल क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन के आधार पर जो है आप काफ़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो बॉन्ड एंगल का वेरिएशन इन सारे हाइड्राइड्स में, जो कि काफ़ी आसान है। अब इसमें हम लोग बात करें रिएक्टिविटी ऑक्सीजन हैलोजन की ओर, तो सबका रिएक्टिविटी जो है उसमें अलग अलग है, वैरी करता है। ऑक्सीजन की बात करें तो कई प्रकार के ऑक्साइड्स बनेंगे इसमें, तो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन ऐसा। तो ग्रुप 16 एलिमेंट से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट, इसीलिए वे सभी हैलोजन से कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात करोगे आप तो यह फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है, बेसिकली OF2O2F2 क्लोरीन के साथ Cl2O, ऐसे कई कंपाउंड्स Cl2O7 BrO2 ऐसे कई कंपाउंड्स बनते हैं। सल्फर का भी बनता है SF2 SF4 SF6 SCl7 ऐसे कई कंपाउंड्स हैं। लगभग हर एक एलिमेंट्स के सेलेनियम के भी कंपाउंड बनते हैं SE2F2 SEF4 SEBr4 ऐसे। टेलरियम भी है TF4 T2F10 ऐसे कई कंपाउंड्स। इसमें से कभी कदाल इस T2F10 का शेप एग्जाम में पूछता है किस प्रकार से शेप होगा। सल्फर का हालांकि एक और है इसमें H2Cl2, तो इसके शेप को भी हम लोग देखेंगे, पहले T2F10 का देखें। तो इसमें से दो टेलरियम के बीच डायरेक्ट बॉन्ड होगा और दोनों से पांच पांच फ्लोरीन को जोड़ देना है, बस कुछ करना नहीं है, चार फ्लोरीन एक इधर पांच, इसे भी वही करना है 1 2 3 4 और 1 5 ऐसा। अब बात करें H2Cl2 की, तो इसमें SS के बीच डायरेक्ट बॉन्ड हो जाएगा, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, बाकी दो दो लोन पेयर दोनों सल्फर पे होंगे ऐसा, इस प्रकार से। तो ये शेप भी कभी कदाल जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम के लिए पूछा भी जाता है, तो इन शेप्स को तो रटना होगा, बेसिकली कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं ये शेप्स। तो यह था ग्रुप 16 एलिमेंट का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की ओर, जिसमें हाइड्राइड्स बने और हाइड्राइड्स के कई प्रॉपर्टीज हम लोग देखे, और फिर हैलोजन में, और हैलोजन में देखे कि अलग अलग प्रकार के हैलाइड्स बनाते हैं ये सभी, कुछ तो कॉमन है और कुछ अनकॉमन, जैसे इस टाइप का H2Cl2 वगैरह ये सभी अनकॉमन है। तो हैलोजन का बहुत ये कंपाउंड जो है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन हाँ हाइड्राइड का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स देखेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट का। धन्यवाद।